जय हिंद वंदे मातरम। आप लोग देख रहे होंगे 2 दिन से कि ये पुलिस वाला कंटिन्यू बहरहाल चल रहा है। कारण ये है कि ये अपनी थाली दिखाकर सभी से अनुमति कर रहा है कि मेरा खाना देखो कैसा है, और इसकी आंखों में जो आंसू हैं। तो कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, किसी लग रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी जुड़ा हुआ है, कोई षड्यंत्र है, किसी को लग रहा है कि कई लोग ऐसा होते हैं स्टाफ में जो कुछ चीज़ों से नाराज़ रहते हैं। तो कई प्रकार के कमेंट लोग इसके नीचे कर रहे हैं। हकीकत क्या है उस पर थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे, अगर समस्या क्या है डिपार्टमेंटली इन लोगों की, क्योंकि हमारी जो एकेडमी है वो फोर्स से संबंधित ही वीडियो बनाते हैं, हम लोग आपको जानकारी देते हैं, संस्था चलती है, डिफेंस है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य और फर्ज बनता है कि ऐसे वीडियो के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएं। और जो वीडियो वायरल हो रहा है, हकीकत में इसमें कितनी सच्चाई है और कितना दिखावटीपन है, ये हमें देखना होगा। इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश में हकीकत में जो फोर्स बल है, तो उस फोर्स बल में इतने कड़े कानून होते हैं कि आप अपनी बात बाहर रख ही नहीं सकते, मीडिया तक पहुँचा नहीं सकते। अगर आपने मीडिया तक पहुँचाई तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनको तुरंत दंडित करने की कोशिश करते हैं, या फिर मन में बैर भाव या फिर किसी प्रकार की मन में ईर्ष्या रख कर मौका आने पर उनको सबक सिखाने की जरूर वो लोग कोशिश करते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन ये सब चीज़ें बाहर नहीं देखती हैं, क्योंकि अनुशासन एक ऐसी चीज़ है कि अनुशासन के मद्देनज़र इसको देखा जाता है कि आपने अनुशासनहीनता करी है और आपको दंडित किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये होता है कि शुरू से ही जब बंदा भर्ती होता है तो उस समय से उसको अनुशासन में ढाला जाता है, और उसको बताया जाता है कि जो फोर्स वाला है इसकी कोई भी बात बाहर नहीं करनी है। अगर आप पे समस्या कितनी भी बड़ी गहरी आ जाए, लेकिन आप कभी मीडिया में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी रक्षा से संबंधित उल्लंघन होगा। तो इसलिए बच्चे अपनी कर्तव्यनिष्ठ में स्थिति में पहुंच जाते हैं, और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, या सैनिक धर्म का पालन कर रहे हो, पुलिस धर्म का पालन कर रहे हो, तो वो अपनी कभी जबान नहीं खोलते हैं, और हकीकत में होना भी चाहिए। मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ, लेकिन हमें बहुत बारीकी से जाने की ज़रूरत है आज, कि हमें बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा। आखिर एक बंदा इतनी हिम्मत करके बाहर अगर ये बात रख रहा है, तो ये तो बात क्लियर हो जाती है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, प्रेरित नहीं है, या फिर वो अपने स्टाफ से नाराज़ नहीं है। बात यह है कि बंदा बोल रहा है कि हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं साहब, है ना। और कई वीडियो ऐसे आते हैं उसमें ये भी बोला जाता है कि सर हमको छुट्टी भी नहीं मिलती, रविवार को हमको कंटिन्यू हमसे काम लिया जाता है, लेकिन हमारी जो सुविधा है वो बिल्कुल लुप्त हैं, सुविधा है ही नहीं हम लोगों के लिए। वो इससे बुरी हालत है मध्य प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबलों की। वो अलग बात है कि वो लोग वीडियो नहीं बना पाते, अगर उनकी सैलरी अगर आप सुनोगे तो जो सब्जी बेचने वाले, पानी टिक्की का ठेला लगाने वाले होते हैं ना, मैं उनकी देखो उनमें उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उनके प्रति ऐसे कोई बात रखूँगा जिससे उनकी भावना को ठेस पहुँचे, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि वो ज़्यादा कमा लेते हैं इन लोगों से अगर पैसे के मामले में देखी जाए तो। वो अलग बात है कि देश प्रेम राष्ट्रभक्ति होती तो भर्ती हो जाते हैं बेचारे, लेकिन अगर सुविधाओं के हिसाब से देखें तो उनका घर नहीं चलता है। वो शायद अच्छे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लें तो नहीं पढ़ा सकते। तो इस वीडियो से ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये बंदा जो रख रहा है अपनी बात, हकीकत में देखा जाए तो कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ इसमें ऐसे वीडियो में होती हैं। देखो हर एक समस्या को सरकार से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर अगर हर एक समस्या का अगर ताला ठोक दिया जाए, हर एक समस्या को उनसे जोड़कर देखा जाए, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत होगा। लेकिन सही बात तो ये कि ऐसे ऑफिसरों को जिनकी जिम्मेदारी दी गई, खान पान की, स्टोर की दी गई है, मैस की दी गई है, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको संज्ञान में लेते हुए इनकी सुविधाओं में परिवर्तन करना चाहिए। यार बंदा में कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी, तभी इतनी हिम्मत करके अपनी बात रख रहा है वो मीडिया में। क्योंकि जब कोई सीमा का बांध टूट जाता है, देहर का बांध टूट जाता है, जब बंदा इतनी हिम्मत करके यहाँ पर मीडिया के सामने बात रख पाता है, पता है आपको, और इतनी हिम्मत इतना साहस हर किसी में नहीं होता है। बंदे सहन तो कर लेते हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है वो सहन कर लेंगे, आपकी पेमेंट काट देगी सहन कर लेंगे, आपसे जाना काम करा लिया गया, आप थक गए हो फिर भी आपको ड्यूटी पर बुला लिया गया है, आप वो भी सहन कर लेते हो, ठीक है। लेकिन कुछ ही बंदे होते हैं जब किसी सीमा बहुत आगे निकल जाए किसी चीज़ की सीमा, और वो सहन ना हो तो अपनी बात वो बाहर आकर रखें, और मुझे लगता है कि रखना भी चाहिए। भले नुकसान मुझे पता है उसका हो जाएगा, लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, ऑफिसर से उसको दंडित करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है अनुशासनहीनता में उस पर कोई एक्ट लगा दिया जाए, उसकी पेमेंट रोक दी जाए, कई प्रकार की समस्याएं उसको खड़ी कर सकते हैं लोग, लेकिन
दाद देनी पड़ेगी बंदे की, हिम्मत करके उसने अपनी समस्या को जाहिर किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई तो होगी। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इनमें सुधार होने की आवश्यकता, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि इस पर जाँच बैठने की आवश्यकता है। मैं सरकार को दोषी नहीं कहूँगा, ना मैं पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक जगह कहीं ऐसी समस्या खड़ी हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो उस जगह का निरीक्षण करके, सर्वे कराकर उसमें सुधार करना बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसमें देखेंगे आप कितनी सच्चाई है, कितना झूठापन है, कितना दिखावट है। लेकिन दिखावट तो नहीं होता है, क्योंकि कोई वर्दीधारी अपनी नौकरी इतनी आसानी से नहीं गवाता है, क्योंकि नौकरी बड़ी मुश्किल में मिल रही है, बेरोजगारी का ज़माना है। कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, जब कोई समस्या होती तभी वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, ये सोचना होगा हम लोगों को। वो मेरा वीडियो सुनने के बाद आप थोड़ा इस पर विचार करना कि इसका सपोर्ट करना है, इसका विरोध करना है, कि किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ना है। हकीकत में बड़ी समस्या है भैया। मैं SSGD की बात करूँ तो मैंने ये भी देखा है कि हमारी कुछ अकेडमी से बंदे थे, तो उन पर कोई केस मेस होगा, ठीक है, तो उसमें 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 15 दिन के पहले ही उसका बूरी बस्तर बांध दिया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब सरकार की तरफ से कोई गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी हम लेटर देते हैं कलेक्ट्रेट में जाके, या कई केंद्रों को लेटर लिखते हैं, या हमारी जो समस्या है उसको, तो उस पर दो साल कोई संज्ञान ना हो, कोई उस पर काम ना हो, तो कोई बात नहीं। अगर हमारी थोड़ी सी भी गलती पकड़ी गई, तुरंत आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुरंत आपको दंडित कर दिया जाएगा, अनुशासन संहिता में भर कर दिया जाएगा। तो ये सोचने का विचार है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना सरकार का मैं विरोध कर रहा हूँ, ना मैं व्यवस्थाओं का विरोध कर रहा हूँ। मैं तो खाली बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, एक मीटिंग करके इनकी जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, इनका निराकरण करने की आवश्यकता है। और ऐसे वीडियो को आप थोड़ा सा दिल से भी लिया करें। और मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग भैया इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं कहना चाहूँगा उन नेताओं से जो गृहमंत्री बनकर बैठे हैं, आप लोग क्या देख रहे हो भैया, इतनी समस्या है पुलिस डिपार्टमेंट में, मैं कह नहीं सकता भैया, है ना। क्यों सबसे बड़ी समस्या है कि इन पर इतनी प्रतिबंध होते हैं कि अगर किसी पुलिस वाले ने एक सेल्फी भी डाल दी फेसबुक पर, तो उस पर भैया तुरंत कार्रवाई हो जाती है। मुझे खुद बताओ, अगर वो मान लो 40 साल नौकरी करें, 20 साल में भर्ती हो गया, 58 या 60 ईयर से जो आपकी उम्र होती है रिटायर की, तो क्या 40 साल तक वो अपने जीवन ढंग से जी नहीं सकता यार, वो पूरी इसी सेवा में निकाल देगा, ये सोचने की बात है। थोड़ा इनको मुझे लगता है सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है, इनको छुट्टी बढ़ाने की आवश्यकता है, इनकी सैलरी बढ़ाने की आवश्यकता है, त्योहारों को क्रम बाई क्रम छुट्टी देने की आवश्यकता है, है ना। सबसे ज़्यादा काम यही लोग करते हैं, पूरे देश को संभालने का काम यही करते हैं। देखो सीमाओं पर ठीक है हमारे सैनिक लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत है, बड़ा रिस्क है, लेकिन अंदर संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अंदर जो संभालते हैं परिवार को, उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो गृह गृह में ज़्यादा फंसते हैं, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कहीं चुनाव होना है, तुरंत आजकल जो नेता होते हैं तुरंत पार्टियाँ बदल लेते हैं, तो फेरबदल होता रहता है, तो उसमें भागा दौड़ी, कोई नेताजी अगर आ रहे हैं किसी जगह, तो पुलिस वालों का सबसे पहले काम होता है उस जगह की सुरक्षा व्यवस्था को संभालना, जब पब्लिक को संभालना, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो वहाँ का SP को निलंबित किया जाता है, या फिर वहाँ के दरोगा को जो थाना इंचार्ज, उनको निलंबित किया जाता है, यानी इनको तुरंत निलंबित किया जाता है अपनी राजनीति रोटी सीखने के लिए, कि हम पर किसी प्रकार से ब्लेम ना लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि फोर्स बल हमारे देश में बड़ा सहायक है, इनके बिना कुछ भी, कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी त्यौहार आता है, सबसे पहले इनकी आवश्यकता पड़ती है, इनके बिना कुछ भी होना संभव है। तो मैं तो यही कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। इस युवा ने जो हिम्मत जुटाई है, हकीकत में मैं इसको दाद देना चाहूँगा, और मैं सभी से कहना चाहूँगा ऐसे वीडियो को हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को लांछन लगाओ, किसी ऑफिसर को निलंबित करो, लेकिन कम से कम व्यवस्थाओं में सुधार तो होना आवश्यक है भैया, तभी तो वो काम कर पाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा मूड रहेगा, तब तो अच्छी ड्यूटी कर पाएंगे वो।